कांग्रेस ने सोलन में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सोलन में उद्घाटन पट्टिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल का नाम देखकर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने इस मौके पर राजीव बिंदल पर आरोप लगाया कि वे विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव बिंदल का राजनीति से मोह नहीं छूट रहा है, इसलिए वे नाहन के साथ साथ सोलन में भी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व पार्षद अमन सेठी ने कहा कि राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष हैं और नाहन के विधायक हैं। अगर वे राजनीति करना चाहते हैं तो वे नाहन में करें और वहां जितने चाहे उद्घाटन पर अपने नाम पट्टिका में लिखवाएं, लेकिन अगर वे सोलन में अपनी पट्टिका का नाम लिखवाएंगे तो पहले ये स्पष्ट करें कि उनका उन योजनाओं में क्या योगदान है। अमन ने विधानसभा अध्यक्ष पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वे कांग्रेस पर भरी सभा में आज टिप्पणी कर रहे थे जो एक विधानसभा अध्यक्ष को शोभा नहीं देता है। साथ में उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल और भाजपा मंत्री में नाम पट्टिका को लेकर कहा सुनी भी हुई है, इसलिए उन्हें श्रेय लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार के हुए कुछ शिलान्यासों के बारे में डॉक्टर राजीव बिंदल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही गरिमा पद होता है, जैसे राज्यपाल जी का पद होता है, और जिसकी गरिमा शायद डॉक्टर राजीव बिंदल जी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं राजनीति करने का या राजनीति का अभी भी उनको कहीं ना कहीं दिल में मलाल है रह गया, या कि वो मंत्री नहीं बन पाए, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी छाप दिखाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो सोलन में जितनी भी शिलान्यास पट्टिकाएं लगी हैं और उस पर उनका नाम लिखा गया है, उन्होंने अपने एमएलए फंड या अपने विधानसभा के कुछ वहां से जो भी फंड होते होंगे उसमें क्या एक चवन्नी भी दी है जो आज उनका नाम शिलान्यास पट्टिकाओं पर लिखा गया है? आज आपस में ही इनके मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष कहीं ना कहीं उलझते हुए भी नजर आए, गर्मा गर्मी भी हुई उनके बीच में इसी चीजों को लेकर। तो अपने नाहन में राजनीति करे, अपने नाहन में जितने मर्जी शिलान्यास करे, उनको सोलन में तो उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं खर्ची है।